अब हम कैसे प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर सकते हैं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है देयर आर सो मैनी टेक्निक्स टू विच आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द प्रोटीन स्ट्रक्चर बट अगर हमने सेकेंडरी और टर्शरी को करना है सो एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी इज द मोस्ट कॉमनली यूज क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर में जब भी कभी भी कोई भी प्रोटीन होगा तो वो स्टेबल होगा एंड वी कैन ईजली मेक यूज ऑफ एक्सट्रिकिस्टेनोग्राफी बहुत सारी टेक्निक्स हैं एक एनएमआर होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ये भी प्रोटीन का स्पेक्ट्रा देती है क्योंकि अमाइनो एसिड्स किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके लिए भी हम कर सकते हैं ठीक है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंफॉर्मेशन ऑन द एटम्स एंड ग्रुप्स प्रेजेंट इन द प्रोटीन सो बहुत सारी टेक्निक्स आर देयर राइट एक मास स्पेक्ट्रोमीट्री होती है अब मेथड फॉर द आइसोलेशन पहले तो हमने स्ट्रक्चर डिटरमिन किया फिर हम आइसोलेट भी तो करेंगे आइसोलेशन के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जैसे प्रोटीन्स को हम फ्रैक्शनेट करते हैं मतलब अगर हमारे पास कोई सैंपल है प्रोटीन का और उसमें से हमने निकालना है प्रोटीन बाहर तो उसके लिए दो टेक्निक्स आती हैं सॉल्टिंग इन एंड सॉल्टिंग आउट आई राइट इट हियर सॉल्टिंग इन सॉल्टिंग आउट ये सारी फिर से मैंने अपने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करी है जिसमें हम एक्चुअली क्वालिटेटिव रिएक्शन ऑफ प्रोटीन पढ़ते हैं बट ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे हल्का सा बता दूंगी सॉल्टिंग आउट मैंने हमने एक सॉल्ट डाला और हमने प्रोटीन को बाहर निकाल लिया आइसोलेशन ही तो कर रहे हैं सिमिलरली प्रोटीन फ्रैक्शनेशन मे बी कैरीड आउट बाय अल्ट्रा अल्ट्रासन ऑल्सो और अगर हमने अमाइनो एसिड्स के लेवल पे जाना है सेपरेट करना है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज देयर Isoelectric focusing is there, immuno electrophoresis, ion exchange gel filtration and HPLC. एचपीएलसी ये सारी आएंगी अलग से तो अब इतने में आपको एक चीज पता होनी चाहिए प्रोटीन क्या है अमाइनो एसिड क्या है ठीक है और पॉलीपेप्टाइड क्या है पॉलीपेप्टाइड इज एक्चुअली अ प्रोटीन फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स तो हमने अगर क्वांटिफाई करना है क्वांटिफाई करना है प्रोटीन को यानी कि कितना अमाउंट है उसके लिए हम अलग से मेथड्स करते हैं अगर हमने सेपरेट करना है तो हम अलग से मेथड्स लेंगे और अगर हमने स्ट्रक्चर डिटर्मिन करना है तो हम अलग से करेंगे हर चीज अलग है और हर चीज़ अलग अलग तरीके से ही की जाती है तो ये क्या है दिस इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स जिसमें चार तरह के हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटनरी डिफरेंस क्या है प्राइमरी में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड है यहाँ पे इन सब के साथ आपका हाइड्रोफोबिक भी है और क्वाटनरी में तो सारा है ठीक है फिर उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया कि हम प्रेसिपिटेट करते हैं। हमेशा याद रखना प्रोटीन्स की प्रेसिपिटेशन होती है प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट है हल्का सा उसमें एसिड या एल्कली डालेंगे वो बाहर निकल जाएगा ठीक है और प्रोटीन्स आर ऑल्सो हीट को लेवल सोल्टिंग आउट मन एडिशन ऑफ अ सॉल्ट टू टेक द प्रोटीन आउट ऑफ दैट सॉल्यूशन ठीक है सो so, हम यूज कौन सा करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट करते हैं अमोनियम सल्फेट सो व्हेन अ न्यूट्रल सॉल्ट सच एज अमोनियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट इज एडेड बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि जैसे हमारे पास ये सोल्यूशन है ठीक है इसमें प्रोटीन है और वाटर है जैसे ही सॉल्ट एड किया सॉल्ट इस इंटरेक्शन को तोड़ देगा सॉल्ट विल ब्रेक द इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटीन एंड वाटर एंड इतना ज्यादा सॉल्ट डालेंगे हम कि खाली खाली प्रोटीन ही बाहर आ जाएगा और उसके बाद उसको फिल्टर कर देते हैं इसको बोलते हैं हम सॉल्टिंग आउट मतलब सॉल्ट डाल के प्रोटीन को बाहर निकालना अब जितना ज्यादा मॉलिक्युलर वेट होगा सॉल्ट का उतना ही जितना मॉलिकुलर वेट प्रोटीन का होगा उतना ही कम सॉल्ट चाहिए होगा क्योंकि यह है ना इंटरेक्शन फटाफट से निकल आएगी और दैट इज वॉट एग्जैक्टली सॉल्टिंग आउट द शेल हाइड्रेशन इज रिमूव एंड द प्रोटीन इज रिमूव एंड प्रेसिपिटेटेड हायर द मोलिक्युलर वेट लेसर इज द सॉल्ट रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन और दिस इज हाउ वी सैचुरेट या यू कैन से दिस इज हाउ वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ एल्ब्यूमिन और ग्लोबिलिन दोनों ही हमारे पास सिंपल प्रोटीन्स हैं और इनको हम दोनों को ही सेपरेट करते हैं कैसे करते हैं बाय सॉल्टिंग आउट राइट ग्लोबिलिन्स प्रेसिपिटेटेड बाय हाफ सेचुरेशन एंड एल्ब्यूमिन विल नीड फुल सेचुरेशन सो ये है प्रेसिपिटेशन टेक्निक ऑफ प्रोटीन अब ये हो गया हमारा उसके बाद देन वी कम ओवर टू सिंपल द इंडिविजुअल पॉलिपेप्टाइड आर राइट अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद इन इट अब प्रोटीन्स को क्लासिफाई करने के अलग अलग मेथड्स हैं जैसे हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स पे कर सकते हैं केमिकल नेचर और सॉलेबिलिटी पे कर सकते हैं और न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस के उस पे कर सकते हैं ये तीनों ही अलग अलग से मेथड्स हैं अब सबसे पहले देखते हैं कौन सा मेथड है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब नाउ सी फंक्शनल क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या हुआ कि उनके कहां -कहां पे क्या क्या फंक्शंस हैं जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन माने जो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं एग्जाम्पल इज कैरेटिन हेयर एंड नेल्स कोलेजन जो एक स्ट्रक्चर क्योंकि जैसे कोलेजन मैंने बताया इट इज अ सीमेंटिंग सब्सटेंस ठीक है दूसरा है एंजाइम्स की तरह एक्ट कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोल देंगे दे आर कैटालिटिक प्रोटीन्स कैटालिसिस कर रहे हैं जिसमें एग्जाम्पल इज हेग्जोकाइनेस एंड पेप्सिन राइट फिर आते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इज एल्ब्यूमिन एंड हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और एल्ब्यूमिन तो वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है जो इतनी सारी चीज़ें कैरी करता है एंड देन हार्मोनल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स जो हार्मोन्स की तरह एक्ट कर रहे हैं बहुत सारे इंसुलिन है ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन एंजियोटेंसिन बहुत सारे हैं तो ये सारे आएंगे हमारी फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में ठीक है स्ट्रक्चरल कैटालिटिक ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोनल और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो हमारी मसल में प्रेजेंट है जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टोरेज प्रोटीन्स जो स्टोर कर रहे हैं जेनेटिक प्रोटीन्स जेनेटिक प्रोटीन जो है ट्रांसमिशन में कर रहे हैं जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन्स ठीक है डिफेंस प्रोटीन्स जैसे इम्यूनोग्लोबुल आ गया या एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी में अगेंस्ट एंटीजन फाइट करती हैं और रिसेप्टर प्रोटीन्स फिर से वही हार्मोन्स एंड वायरसेस तो ये है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ठीक है एक और इसमें एग्जाम्पल आता है जैसे थोड़ा सा डाइवर्सिटी स्किलरो प्रोटीन्स स्किलरो प्रोटीन्स में हमारे आ जाएंगे जो एक तरह से स्ट्रक्चर दे रहे हैं कोलेजन, इलास्टिन, इसलिए दोबारा स्लाइड रखी गई है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह आपको पता होना चाहिए कि कोलेजन, इलास्टिन कैरेटिन कहां कहां प्रेजेंट है इनके क्या क्या फंक्शंस हैं राइट फिर उसके बाद हम चलते हैं एक और क्लासिफिकेशन है प्रोटीन्स की बिफोर दिस सिंपल कॉन्जुकेट एंड डिराइव्ड ठीक है सिंपल मने सिंपल मतलब वो प्रोटीन्स हम सिंपल बोलेंगे कि जो क्या करेंगे जो बिल्कुल सिंपल है स्ट्रक्चर में वो फंक्शनल भी हो सकते हैं ठीक है अलग अलग से है उनका क्या फंक्शन है ट्रांसपोर्ट में भी आ सकते हैं वो तो सिंपल प्रोटीन्स के एग्जांपल्स हैं हमारे पास एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबिलिन्स राइट ग्लूटेल ओरिजिन इन कैरेटिन और स्किलरोजुकेट कॉन्जुकेट का मतलब क्या होता है कि प्रोटीन पार्ट तो है ही है साथ में उनमें एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी है राइट जैसे हीमो -proteins. हीमोप्रोटीन्स या यू कैन से क्रोमोप्रोटीन्स ज्यादा एप्रोप्रिएट हो जाएगा ये क्रोमोप्रोटीन्स। क्रोमो प्रोटीन्स में हम एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन का दे सकते हैं क्रोमो माने कलर ठीक है देन फॉस्फोप्रोटीन्स एग्जाम्पल इज मिल्क जिसमें केज़िन इज द इज प्रेजेंट एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स राइट न्यूक्लियो प्रोटीन्स न्यूक्लियो प्रोटीन्स में एग्जाम्पल इज हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स राइट ग्लाइको प्रोटीन्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट अटैच है प्रोटीन्स के साथ मतलब प्रोटीन पार्ट है साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट है और अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लाइपोप्रोटीन्स ये लाइपोप्रोटीन्स हम दोनों जगह पढ़ेंगे प्रोटीन्स में भी पढ़ेंगे और लिपिड्स में भी क्योंकि बनते क्या लिपिड प्लस प्रोटीन फ्लेवो प्रोटीन्स ये सारे आएंगे कॉन्जुकेट लास्ट क्लास इज डिराइव एज इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड डिराइव फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी दे ये डिराइव करे जाते हैं या तो सिंपल से होंगे या ये कॉन्जुकेट से होंगे तो इनको हम क्लासिफाई इनटू उसमें सब क्लासेस में कर देते हैं जैसे डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है पॉलीपेप्टाइड से पेप्टोन्स बनेंगे डाइपेप्टाइड बनेंगे बाद में माइनो एसिड्स बनेंगे और जैसे इलास्टिन है इलास्टिन को अगर हल्का सा आपने हीट कर दिया वो इलास्टन बना लेगा मायोसिन को किया मायोसन बना लेगा राइट सो दिस इज द रफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जैसे अब सबसे पहले क्रोमोप्रोटीन्स आ गया तो लेट्स डिस्कस क्रोमोप्रोटीन्स दीज आर दी प्रोटीन्स विद कलर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब क्रोमो मने कलर एग्जाम्पल इसमें आ जाता है हीमो प्रोटीन्स का हीमोग्लोबिन का क्योंकि हीमोग्लोबिन इज कलर्ड राइट साइटोक्रोम्स भी इसमें आ जाएंगे साइटोक्रोम्स होते हैं हमारे आयरन सल्फर प्रोटीन्स ठीक है सिमिलरली फ्लेवो प्रोटीन्स आ गए फ्लेवो प्रोटीन्स का एग्जाम्पल आता है जैसे एफ ए डी है ये येलो कलर दे रहा है ठीक है विजुअल पर्पल मतलब बहुत सारे हैं इसमें जो एक कलर दे रहे हैं जो जिनमें प्रोटीन पार्ट है प्रोटीन पार्ट के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी है राइट ठीक है फॉस्फो प्रोटीन जैसे मैंने अभी बताया फॉस्फेट प्रेजेंट है प्रोटीन के साथ example is casein which is the principal protein present in milk Metalloproteins proteins jahan pe metal aa jayega Metalloproteins proteins mein hum example le sakte hain ek tarah se enzymes ka kyunki enzymes they require a cofactor to work with that तो उसमें आ गया जैसे ferritin है carbonic anhydrase zinc के बिना काम नहीं कर सकता सेरुलोप्लाज्मिन copper के बिना नहीं कर सकता right? फिर उसके बाद ये क्लासिफिकेशन हम लेते हैं इसके बाद डिराइव्ड प्रोटीन्स ठीक है अब डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या है ये दो तरीके के हैं एक है प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स एक है सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स दोनों में डिफरेंस क्या है प्राइमरी डी नेचर्ड और क्वेगिलेटेड और फर्स्ट हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट्स प्राइमरी मैंने सबसे पहले फिर प्राइमरी की फर्दर डिग्रेडेशन होगी तो उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स तो ये आ गए हमारे डिराइव प्रोटीन्स में राइट right? जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको मायोसिन को हीट करने पे मायोसन बन जाएगा इलास्टिन से इलास्टन बन जाएगा राइट कोलेजन से जेलेटिन बन जाएगा जेलेटिन जो जेलीज़ वगैरह में यूज होता है जेलेटिन इज अ डिराइव प्रोटीन फ्रॉम कोलेजन तो ये हो गए हमारे पास प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स। ठीक है और सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स क्या होंगे फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगा जैसे इसमें आ जाएंगे हमारे पेप्टोन्स डाइपेप्टाइड्स और फाइनली एसिड्स कैसे डिफाइन करते हैं दे आर द डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स क्योंकि जब भी भी प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन होती है दीज पॉलीपेप्टाइड्स आर एक्चुअली डिग्रेडेड इन पेप्टोन्स देन पेप्टोन्स इन टू and then amino acids. Peptones, hydrolytic products of proteosis, soluble not coagulated by heat, not precipitated with ammonium sulphate. Right? And they can be precipitated by phosphotung state. Peptides composed of very small number of amino acids,

ऑफ प्रोटीन्स। फिर उसके बाद आती है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में हम सिंपल सा कहेंगे एक होते हैं पार्शली इनकम्प्लीट प्रोटीन्स ठीक है जिसमें अब न्यूट्रिशनली मतलब क्या है कि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है उनकी सेटिटी वैल्यू क्या है तो दे आर ईदर कंप्लीट प्रोटीन्स कंप्लीट प्रोटीन्स माने जिसमें सारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जैसे हम एग की बात करते हैं अगर एग अपने आप में ही एक कंप्लीट प्रोटीन रिच डाइट है ठीक है और पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन्स का मतलब क्या है कि पार्शियली मतलब उसमें कोई ना कोई ऐसा एक अमाइनो एसिड डेफिशिएंट होगा जिसकी रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए होगी जैसे इसका एग्जांपल आई गिव यू जैसे लिमिटिंग अमाइनो है लाइसिन एंड थ्रियोन जैसे हमारे पास मेज होता है ठीक है मक्खी में इसमें जो प्रोटीन होता है प्रेजेंट दैट इज जीएन अब ये जो जीएन प्रोटीन है इट लैक्स ट्रिप्टोफेन ठीक है मेज में जीएन प्रोटीन है जिस विच लैक्स ट्रिप्टोफेन इसका मतलब क्या है कि पीपल जिनकी स्टेपल डाइट मेज है वो ज्यादा प्रोन होते हैं ट्रिप्टोफेन की डेफिशिएंसी के लिए और ये एक फैक्ट है कि जो लोग मेज या मक्की ज्यादा खाते हैं उनमें पिलैगरा के चांसेस ज्यादा होते हैं वो क्यों होते हैं क्योंकि ट्रिप्टोफेन एब्सेंट है उसमें और ट्रिप्टोफेन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी थ्री नाइसिन तो वो नहीं बनेगा तो ये है न्यूट्रिशनली या न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स और ये सब सबका जिस्ट है जो हमने अभी तक पढ़ा है सिंपल कॉन्जुकेट डिराइव सिंपल एल्ब्यूमिन्स ग्लोबिलिन्स ग्लूटेन्स प्रोलामीन हिस्टोन्स ग्लोबिल्स कोलाजन इलास्टिन केराटिन जुकेट न्यूक्लियो प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स लाइपोप्रोटीन्स फॉस्फोक्रोमो मिटेलो और डिराइव में एक आ गया प्राइमरी एक आ गया सेकेंडरी प्राइमरी में कोएगुलेटेड दिस 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 एंड सेकेंडरी में प्रोटियोसिस पेप्टोन्स जो मैंने आपको पूरा एक पाथवे बताया कि कैसे उसकी डिग्रेडेशन होती है तो ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स this is the widely used classification classification of proteins right simple proteins we have already discussed albumins globulins will be will come under this ठीक है फिर भी जैसे एक और चीज चलो सिंस दिस स्लाइड हैज कम एक और चीज है इसमें एलब्यूमिन और ग्लोबिल्स का मैंने बताया कि सॉल्टिंग आउट से ये सैचुरेट होते हैं ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट हाफ सैचुरेशन एंड फुल सैचुरेशन इज कैरीड राइट दे आर प्रेसिपिटेटेड बाय हाफ सैचुरेशन विद दिस एंड फुल सैचुरेशन विद दिस देन प्रोटामींस ये सारे ही सिंपल प्रोटीन हैं प्रोटामीस हिस्टोन्स हिस्टोन्स आर दी बेसिक प्रोटीन्स रिच इन लाइसीन एंड आर्जीन जो डीएनए के साथ कंबाइन कर राइट ग्लोबिन्स प्रोटामीन्स बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके राइट right? फिर उसके बाद एक चीज इसमें आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्योंकि जब हम प्रोटीन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम प्रोटीन्स को कैसे सेपरेट करेंगे तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हुआ या सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल हुआ सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें यह क्या करते हैं ये प्रोटीन को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं दे विल हेल्प प्रोटीन इन कमिंग आउट चाहे हम लेड यूज करें चाहे हम मरकरी आयरन जिंग कैडमियम कुछ भी करेंगे इनमें पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे नेगेटिव चार्ज के साथ बाइंड करके बाहर निकाल आएंगे तो प्रेसिपिटेट बना देंगे राइट right? सिमिलरली कोई हम नेगेटिवली चार्ज डालेंगे जैसे टी सी ए डालेंगे पिकरिक एसिड डालेंगे वो क्या करेगा वो पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन करके बाहर निकाल देगा तो कुछ भी है वेदर प्रेसिपिटेशन इज बाय पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स और नेगेटिवली चार्ज आयन्स प्रोटीन विल बी प्रेसिपिटेटेड आउट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनफैक्ट द ओनली मेथड जिससे हम प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक इसमें बचता है जो है डी नेचुरेशन डी नेचुरेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रोसेस है डी मने रिमूवल किसका नेचुरली एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ प्रोटीन प्रोटीन को हीट कर दो प्रोटीन में कोई केमिकल डाल दो तो उससे क्या हो जाएगा जो प्रोटीन की ओरिजिनल कॉन्फर्मेशन है वो डिस्ट्रप्ट हो जाएगी सो so, जितना भी कुछ कर रहे हैं हम बेसिकली कर क्या रहे हैं हम प्रोटीन को डीनेचर कर रहे हैं जैसे डिफाइन कैसे करेंगे सिंपल डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा क्या डीनेचुरेशन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बट हमेशा याद रखना प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नॉट इफेक्टेड नेवर इफेक्टेड इन डी नेचुरेशन सो दिस इन्वॉल्व अ चेंज इन फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और डीनेचुरेशन के बहुत सारे वेज हैं जिससे हम कर सकते हैं ठीक है फिजिकल एजेंट्स हैं रेज हैं केमिकल एजेंट्स हैं कुछ भी हमने यूज किया हम प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देंगे राइट right? what are the characteristics of denaturation? The native helical structure of protein is lost, right? But the primary structure of a protein with peptide linkage remains intact. Means peptide bond is not hydrolyzed, not broken. Q due to resonance. बट जब हमने डी नेचर कर दिया तो इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई प्रोटीन एक्टिव तो रहा ही नहीं फिर ठीक है क्योंकि प्रोटीन तो हमने बाहर निकाल दिया उसकी एक्टिविटी खत्म है एंड डी नेचर प्रोटीन बिकम्स इनसॉलेबल इन सोलवेंट इन विच इट वॉज ओरिजिनली सोलेबल क्योंकि अब उसकी एक्टिविटी खत्म हो गई तो उसका जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो पहले दे रहा था वो बाद में नहीं देगा राइट right? जैसे हमारे पास रॉ एग है जब हम रॉ एग को बॉईल कर देते हैं वापस तो बॉइल्ड एग को हम रॉ में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रोटीन्स आर हीट को एगिलेबल एंड द विस्कोसिटी ऑफ दिस इंक्रीजेस वाइल इट्स सरफेस टेंशन डिक्रीजेस राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन सो आई होप केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा इसमें आपको मेन एम्फेसिस जो देना है आपको पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेचर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टनरी एंड अलोंग विद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन क्या है और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन क्या है Right, so thank you so much. Have a great day.